कल सदस्य समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका सभागार में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण दिए जाने के संबंध में जन सुनवाई में शामिल हुए। जन सुनवाई में जन प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष बीएस वर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में एकल सदस्य समर्पित आयोग का गठन किया गया है, जिसके तहत सर्वे कर देखा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की आवश्यकता है, ताकि राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व और बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि सर्वे पूरा करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसमें पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण से संबंधित सिफारिश की जाएगी। उन्होंने सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों से भी पिछड़े वर्ग से जुड़ी समस्याओं की जानकारी सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर कोई सुझाव है तो वह आयोग को अवगत करवा सकते हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज बैठक ये जो ओबीसी का आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए स्थानीय निकाय में नगर पालिका है, आपकी ग्राम पंचायत है, उसके लिए पब्लिक हेयरिंग के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसको भी इसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो फैसलों के डायरेक्शन में या ये आयोग का गठन हुआ। और आयोग का जो टास्क है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करनी है कितने प्रतिशत लोकल बॉडी वाइज आरक्षण किया जाना है, इसीलिए आज बैठक हुई है। और ये जगह हर जिले में जहाँ जहाँ भी है वहाँ आयोग पब्लिक सुनवाई के लिए एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करने के लिए ये बैठक की जा रही है, ताकि उनके जो राजनीतिक पिछड़ापन है, उनके पॉलिटिकल बैरियर्स हैं, उनकी जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाए।